ऐसा सिचुएशन फेस किया है, आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो तभी आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप इस तरीके से हरकतें करने लग जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर वर्क्स। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके के आने वाले प्रॉब्लम जिसमें आपका लैपटॉप बार बार ऑन ऑफ हो रहा है या डेस्कटॉप बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, उसकी वजह क्या है और क्या वो सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम खुद ही इसे फिक्स कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये मेरा लेनोवो का लैपटॉप आइडियापैड 510 है जो कि i5 7th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आया है। इस लैपटॉप के साथ पहले ही मैं काफी समस्या झेल चुका हूं, अब ये नई मुसीबत आ गई है जिसमें पावर ऑन करते ही ये बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। ये चीज आपके साथ भी हो सकता है, किसी भी लैपटॉप के साथ हो सकता है, डेस्कटॉप के साथ हो सकता है। तो क्या वो वजह है जिस वजह से ये बार बार ऑन ऑफ हो रहा है? चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस प्रॉब्लम को। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक और छोटा सा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को लेकर के आप किसी टेक्नीशियन के पास जाएंगे तो वो आपसे 1500 रुपए यूं ही ऐंठ लेगा। तो क्या वो वजह है जिस वजह से ये लैपटॉप मेरा बार बार ऑन ऑफ हो रहा है? सिंपल सा रीजन है कि इस लैपटॉप के अंदर जो कैपेसिटर है वो फुली तरीके से चार्ज हो चुके हैं और बगैर डिस्चार्ज हुए ये फिर से लैपटॉप स्टार्ट नहीं होगा। तो प्रॉब्लम यही है कि इसके कैपेसिटर में चार्ज जो है वो स्टोर हो गया है, वो फुली डिस्चार्ज नहीं हो रहा है और जब मैं इस लैपटॉप को ऑन कर रहा हूँ तो उस वजह से ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हार्डवेयर को तोड़फोड़ करके जोड़ नहीं सकते हैं तो कृपया ये कोशिश ना करें। इस चीज का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर आपके लैपटॉप में एक्सटर्नल बैटरी लगा हुआ है तो उसे निकालिए, पावर केबल को निकाल दीजिए और अपने पावर बटन को 1 मिनट तक कंटिन्यूसली प्रेस करके रखिए। उसके बाद आप इसको रिलीज कर दीजिए और उसके बाद बैटरी लगाइए, बैटरी लगाने के बाद पावर केबल लगाइए और अपने लैपटॉप को डेस्कटॉप को ऑन कीजिए, वो आपका चालू हो जाएगा। डेस्कटॉप के लिए बता दूं कि डेस्कटॉप में ये चीज करते वक्त आप सारे कनेक्टेड जितने भी पेरिफेरल्स हैं उसको डिसकनेक्ट कर दें, जैसे मॉनिटर है या आपका प्रिंटर उसके साथ लगा है, सारा केबल निकाल दें। उसके बाद ही आप जो है उसके पावर बटन को 1 मिनट तक प्रेस रखें। इससे क्या होगा, जो कैपेसिटर फुली चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और जब आप दोबारा अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को ऑन करेंगे तो वो नॉर्मल तरीके से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे लिए यहाँ पे मुसीबत ये है कि मेरे पास जो ये लेनोवो का लैपटॉप है आइडियापैड 510 उसमें कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगी है जिसको मैं आराम से निकाल करके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकूं। इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी हुई है और वहीं से इसमें कनेक्शन दिया गया है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए मुझे कम्प्लीटली अपने इस लैपटॉप को डीअसेंबल करना होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास मेरे तरह ही ऐसा कोई लैपटॉप है जिसमें इंटरनली बैटरी लगाया हुआ है और आप हार्डवेयर को अच्छे तरीके से खोलना और बंद करना नहीं जानते हैं तो ये अपने एंड पे प्रोसेस ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इसको करते वक्त आप किसी और कंपोनेंट मदरबोर्ड के किसी और पार्ट को खराब कर दें बाय मिस्टेक। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इस लैपटॉप को आप डीअसेंबल कर सकते हैं, किस तरीके से आपको सारे कनेक्शन को छुड़ाना है, किस तरीके से बैटरी के कनेक्शन को छुड़ाना है, वो बैटरी कहाँ पे लगा हुआ है और ये जो हमें मेन इशू आ रहा है उसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं।
निकालने के बाद ये लैपटॉप आपका पीछे से नहीं खुलेगा। इसके लिए आपको इसके सामने का कीबोर्ड निकालना होगा, तो साइड साइड से लिफ्ट कीजिए हल्के हल्के और ये कीबोर्ड बाहर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आप पीछे का ये कनेक्शन छुड़ा दें। इस कनेक्शन को छुड़ाने के बाद आप कीबोर्ड को आराम से निकाल सकते हैं और आपके सामने होगा आपके लैपटॉप का मदरबोर्ड। और ये रही बैटरी, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मदरबोर्ड के ऊपर ये बैटरी लगाया गया है और इसमें कनेक्शन दिया गया है। तो मुझे इस कनेक्शन को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है, निकालना है, उसके बाद इस लैपटॉप के पावर बटन को मैं एक मिनट तक प्रेस करके रखूंगा ताकि जो भी चार्ज कैपेसिटर है, स्टैटिक चार्ज जो कैपेसिटर में स्टोर हो गया है, वो डिस्चार्ज हो जाए। तो चलिए ये प्रोसेस करके देखते हैं हम। ये सारा प्रोसेस करने के बाद भी ये लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करें? अब इसके लिए हम बैटरी के कनेक्शन को तो निकाल ही चुके हैं, अब ये बायोस का जो बैटरी है इसको भी हम डिस्कनेक्ट कर देंगे मदरबोर्ड से और फिर इस पावर बटन को एक मिनट तक के लिए प्रेस करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रबल शूटिंग का अगला स्टेप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने मेन बैटरी के कनेक्शन को ही नहीं निकाला, मदरबोर्ड पे जो बायोस का छोटा सा बैटरी लगा हुआ है उसके कनेक्शन को भी डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद फिर हमने पावर बटन को एक मिनट तक के लिए प्रेस करके रखा। तो चलिए अब इस लैपटॉप को स्टार्ट करके देखते हैं कि ये चालू होता है कि नहीं। सो फाइनली यहाँ पे हमारा लैपटॉप सही तरीके से स्टार्ट हो गया है और विंडोज लोड होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ आता है तो ये ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हैं इस इशू को फिक्स करने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा अपने कॉमेंट के थ्रू जरूर बताएं।